हेलो दोस्तों, स्प्रिंग बूट वीडियो ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐड प्रॉपर्टी सोर्स एनोटेशन के बारे में। ऐड प्रॉपर्टी सोर्स एनोटेशन आई थिंक इट वाज एडेड इन स्प्रिंग 3 इटसेल्फ, राइट? और स्प्रिंग बूट में भी ऑफ कोर्स आप यूज कर सकते हैं। स्प्रिंग बूट बेसिकली ऐसा फ्रेमवर्क है जो आपका स्प्रिंग रिलेटेड प्रोजेक्ट को आप क्रिएट करते हो तो कॉन्फ़िगरेशन स्टाफ को काफ़ी बेसिकली क्या करता है, ईजी कर देता है और भी कुछ कुछ एक्स्ट्रा फीचर प्रोवाइड करता है। तो हम देखेंगे कि ऐड प्रॉपर्टी सोर्स को हम स्प्रिंग में कैसे यूज कर सकते हैं। गाइज, इस एनोटेशंस का यूज हम वहाँ करते हैं जहाँ कोई एक्सटर्नल प्रॉपर्टीज हो, राइट? लेट से कि आप स्प्रिंग बूट क्रिएट करते हो, स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज होता है, राइट? और पिछले कुछ वीडियो में हमने अलग अलग प्रोफाइल्स की बात की है, राइट? जैसे हमने एप्लीकेशन टेप डॉट प्रॉपर्टीज, एप्लीकेशन QA डॉट प्रॉपर्टीज, एप्लीकेशन प्रॉड डॉट प्रॉपर्टीज की बात की थी। लेकिन कभी कभी ऐसा है कि एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज नाम ना देके आप कुछ भी नाम दे सकते हो और बेसिकली और उसमें की वैल्यू पेयर्स बहुत सारे प्रॉपर्टी इनिशलाइज कर सकते हो। वैसे प्रॉपर्टी फाइल को आप कैसे लोड करोगे वो तरीका हम सीखेंगे इस एनोटेशन के थ्रू, राइट? तो सबसे पहले हम एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, न्यू में जाकर स्प्रिंग स्टार्टिंग प्रोजेक्ट यहाँ देता हूँ मैं। प्रोजेक्ट का नाम कुछ इसी तरह से दे देते हैं, ठीक है? प्रॉपर्टी सोर्स एनोटेशन एग्जाम्पल, ओके। लेट मी गो अहेड एंड क्रिएट। आई एम नॉट गोइंग टू एड एनी काइंड ऑफ डिपेंडेंसी, जस्ट आई एम गोइंग टू क्रिएट और नेम्स एंड फिनिश, राइट? प्लेन स्प्रिंग यूज करने वाले हैं हम लोग इसमें, ठीक? अब ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया, राइट? नाउ हियर इफ यू गो टू द SRC मेन सोर्सेस, तो जो की वैल्यू पेयर्स हम यहाँ डिक्लेयर करते हैं, राइट? लेकिन हम क्या करेंगे कि हम एक प्रॉपर्टी नहीं यूज करके हम अलग से कुछ भी प्रॉपर्टी का नेम क्रिएट, कोई भी प्रॉपर्टी बेसिकली किसी भी नेम से हम डॉट प्रॉपर्टी फाइल क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ कर रहा हूँ कि my config1.property प्रॉपर्टीज, राइट? उसी तरह से माई कॉन्फिक 2.properties क्रिएट, जितने भी प्रॉपर्टीज फाइल आप क्रिएट कर सकते हैं, राइट? लेट्स से कि फर्स्ट इसमें कुछ की वैल्यू पेयर्स ऐड कर लेते हैं, जैसे माई चैनल नेम, राइट? एक की हो गया, अब वैल्यू यहाँ पर असाइन करना है। सो लेट्स से के हिंदी गया, दिस इज माई चैनल। उसके बाद माई वेबसाइट URL दे देते हैं, राइट? URL www.kkjavatutorials.com, राइट? दिस इज एक्चुअल माई वेबसाइट नेम। इफ यू गो टू द ब्राउजर, इफ यू ट्राई टू ब्राउज, सो दिस इज माई एक्चुअल वेबसाइट, इट्स नॉट अ फेक, ओके? सो इट इज एक्चुअल वेबसाइट नेम, right? So two key value pairs I have added in config.in. Here I am going to add my lucky, let's say my lucky number, that's it, one key value pairs, and here I am going to assign 4, that's it. Of course you can have n number of key value pairs, but just to make it simple, just I have added in one property 2 and another property 1 key value pairs, right? Now I am going to create config, let's say I would say dot config. So there are a couple of ways I am going to show you how to read basically properties from these two config from these two properties file. Pahla approach dekhte hain, jisme main deta hu my config one class ka naam, right? नेमिंग कन्वेंशन उतना अच्छा नहीं है, लेकिन दिस इज जस्ट फॉर लर्निंग पर्पस, और इसको आपको अनोटेट करना है कॉन्फ़िगरेशन से, राइट? ऐड कॉन्फ़िगरेशन से अनोटेट कर देना है क्लास को। उसके बाद हियर वी कैन यूज ऐड प्रॉपर्टी सोर्स, राइट? जैसा कि हमने बात किया, राइट? ऐड यहाँ आप देख सकते हो कि ऐड प्रॉपर्टी सोर्स है, दूसरा ऐड प्रॉपर्टी सोर्सेस है। तो पहले हम ऐड प्रॉपर्टी सोर्स की यूज करते हैं, और यहाँ पर वैल्यू में आपको यहाँ लिखना है क्लास पाथ, क्लास बात, और मेक श्योर कि आपका जो भी प्रॉपर्टी फाइल नेम दे रहे हो वो क्लास पाथ में है। क्लास पाथ में है मतलब
एसआरसी मेन सोर्सेज में होना चाहिए, राइट? सो आप यू माइट बी थिंकिंग, सो आई कैन डिक्लेयर ऑल द की वैल्यू पेयर्स ओवर हियर, राइट? व्हाई आई हैव क्रिएटेड आई मीन मोर देन वन प्रॉपर्टीज फाइल, रीजन इज दैट कि जब एप्लीकेशन काफ़ी ग्रो करता है तो यू माइट वॉन्ट टू सेग्रीगेट योर प्रॉपर्टीज फाइल, राइट? You might want to segregate your key value pairs in the different properties file. That's the reason sometimes we need to create a different property file. एक ही में कर देंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, अब मैनेज करना डिफिकल्ट हो जाएगा, राइट? तो मैनेज सही से मैनेज करने के लिए आप अलग अलग प्रॉपर्टी फाइल क्रिएट करते हैं, राइट? इन दैट सिनेरियो यू कैन यूज दिस कंसेप्ट, राइट? एंड हियर वी आर गोइंग टू स्पेसिफाई समथिंग लाइक दिस, राइट? तो ये तो एक फाइल के लिए है, राइट? यदि आपके पास मल्टीपल फाइल्स हो तो ये मल्टीपल टाइम्स भी आप डिक्लेयर कर सकते हो, राइट? तो यू हैव माई कॉन्फिग टू एज वेल, राइट? राइट, तो दो बार कर सकते हो, जितना बार है उतना बार, जितना फाइल उतनी बार ये ऑनोटेशन आप यूज कर सकते हो, एट प्रॉपर्टी सोर्स। लेकिन आप देखेंगे तो एट प्रॉपर्टी सोर्सेस करके भी एक ऑनोटेशन है, राइट? सो इट इज़ जस्ट द प्लुरल ऑफ एट प्रॉपर्टी सोर्स। तो यहाँ एक एरे ऑफ एट प्रॉपर्टी सोर्स आप डिक्लेयर कर सकते हो, राइट? तो कॉमा से सेपरेटेड जितना भी ऐड प्रॉपर्टी सोर्स है इसके अंदर डंप कर दो, सारे ऐड प्रॉपर्टी सोर्स कॉमा सेपरेटेड रहेगा, राइट? सो दिस इज बेसिकली एक्सेप्टिंग एरे ऑफ ऐड प्रॉपर्टी सोर्स, राइट? नाउ अब मेन इम्पॉर्टेंट है कि दो प्रॉपर्टी तो यहाँ डिक्लेयर करें, दोनों प्रॉपर्टी से हम वैल्यू को आप कैसे रीड करेंगे, राइट? दैट्स द इम्पॉर्टेंट थिंग। सो हियर फर्स्ट अप्रोच आई एम गोइंग टू शो यू, प्राइवेट इन्वायरमेंट यहाँ डिक्लेयर करना है आपको, environment, right? Environment. This is the first approach I'm going to show you. अगर I'll show you the second approach as well. और इसको करना है ऑटो वायर करना है आपको, ऑटो AUTO ऑटो वायर्ड, राइट? Spring will ऑटो वायर दिस environment. And let's say I'm going to create one public method. So I'll say public void रखते हैं इसको, read props. ये नाम दे दिया हमने, राइट? सो लेट्स से कि ये इन्वायरमेंट का यूज करके इन दोनों प्रॉपर्टी फाइल से मुझे प्रॉपर्टी को रीड करना है, और यहाँ मैं सिंपल प्रिंट कर रहा हूँ, बट रियल सिनेरियो में आफ्टर रीडिंग दिस प्रॉपर्टीज फाइल यू कैन डू सम काइंड ऑफ प्रोसेसिंग, राइट? ऐसा मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ऐसा आपका कैसा रिक्वायरमेंट ऐसा हो सकता है कि प्रॉपर्टीज फाइल से प्रॉपर्टी रीड करके यू कैन डू सम काइंड ऑफ बेसिकली प्रोसेसिंग, लेकिन यहाँ मैं दिखा रहा हूँ कैसे रीड करना है वो। तो आपको क्या करना है, इन्वायरमेंट डॉट गेट प्रॉपर्टी करना है, ठीक है ना? गेट प्रॉपर्टी यहाँ देख रहे हो, गेट प्रॉपर्टी की ले रहा है, सो की इज नथिंग बट योर दिस एग्जैक्टली यू हैव टू गिव दिस की, राइट? तो एक की, और लेट्स से कि ये P1 हो गया, राइट? इसी तरह P2 रीड करना, पहला प्रॉपर्टी हो गया P1, मतलब पहला प्रॉपर्टी, एंड P2 हो गया, राइट? P2 का की आपको चेंज करना होगा, राइट? व्हाट इज द की? दिस इज माय वेबसाइट यूआरएल, सो दैट इज द की, ओके? नाउ जस्ट आई एम गोइंग टू प्रिंट दिस बोथ प्रॉपर्टी, लेकिन रियल सिनेरियो में आप क्या कर सकते हैं, प्रॉपर्टी को रीड करके आप कुछ प्रोसेसिंग, बिजनेस प्रोसेसिंग कर सकते हो, राइट? सो दैट्स वेयर वी कैन यूज दिस काइंड ऑफ कंसेप्ट, राइट? अगेन आई कैन रीड प्रॉपर्टी फाइल फ्रॉम दिस प्रॉपर्टी फाइल एज वेल, राइट? तो इसमें जाते हैं, इसमें क्या है, इसमें एक ही की है, माय लकी नंबर, इसको भी हम रीड कर सकते हैं गाइस। तो इट्स स्ट्रिंग P3 इक्वल टू एनवायरमेंट डॉट गेट प्रॉपर्टी, एंड ऑफ कोर्स यू नीड टू पास दिस की, राइट? एंड सिंपल आई एम गोइंग टू प्रिंट दिस गाय P3, आई एम गोइंग टू प्रिंट, राइट? एंड नाउ this my config one bean I am going to retrieve from my this class, right? This is my spring boot bootstrap class, right? यहाँ से मैं देखता हूँ तो ये return क्या करता है, basically application context configurable application context, यहाँ से मैं वो bean को get करूँगा, get bean, I would say get bean और sorry get bean और my config one dot bean dot class, right? ताकि मैं यहाँ से बिन स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट मुझे रिटर्न कर दे, राइट? सो आई गेट द कॉन्फिग एंड नाउ आई कैन कॉल दिस मेथड गेट प्रॉप्स, राइट? रीड प्रॉप्स की गेट प्रॉप्स है, रीड प्रॉप्स, राइट? सो लेट मी शो यू वेदर इट इज वर्किंग और नॉट, लेट्स सी द रन एज ए स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन एंड
I should be able to print, right? So here you can see channel name, I am going to print, and channel website, and finally my lucky number. It is correctly printing, right? So it is working perfectly. This is the first way to read data from one and many properties file. You can give the property file anything, any. I think extension, I do not know. Extension, I think you try with some other extension. I think that should work as well, right? What's the next approach to read the property file from more the अब हम देखते हैं दूसरा जो वे है वन प्रॉपर्टी या मोर देन वन प्रॉपर्टी से की वैल्यू पेयर को रीड करने का, राइट? तो इसके लिए हमें एक और क्लास क्रिएट करना होगा. सो आई विल क्रिएट अनदर क्लास, आई वुड से माय कॉन्फिग टू. इसी में जाके माय कॉन्फिग टू कर देते हैं, राइट? माय कॉन्फिग टू कर देते हैं. और ऑफकोर्स यहाँ भी एक या एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी फाइल से आप प्रॉपर्टीज़ को, कॉन्फिग्रेशनल डेटा को आप रीड कर सकते हो, राइट? से अगेन यू हैव टू एनोटेट एज एट कॉन्फिग्रेशन. एंड यहाँ मैं प्रॉपर्टी सोर्सेज के जगह प्रॉपर्टी सोर्स एक ही से यहाँ दिखाता हूँ, लेकिन एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी फाइल से भी आप रीड कर सकते हो. यहाँ आपको देना है क्लास पाथ, एंड आई एम गोइंग टू गिव दिस फाइल नेम. लेट्स से आई एम गोइंग टू रीड डेटा फ्रॉम, लेट्स से इससे इसे रीड कर लेते हैं, राइट? इससे रीड कर लेते हैं कॉन्फिग से, जिसमें दो प्रॉपर्टी है, राइट? सो आई वुड से दिस वन, राइट? Now in this property we have here property, I'm going to declare string, और इसमें दो property है, right? पहला है my channel name, तो ऐसे लिख लेते हैं, variable name देते हैं my channel name, make sense? My channel name, right? Again एक और property है channel website है, क्या है my website URL करके है, right? तो वो भी read करते हैं माई वेबसाइट यू आर एल, राइट? सो आई से माई वेबसाइट यू आर एल. मैं थोड़ा नेमिंग कन्वेंशन फॉलो करता हूँ गाइस. ओके, दो हो गया. अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे आपको सेकेंड वे से मैं दिखा रहा होता एट वैल्यू का अनोटेशन का यूज करना है. यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है गाइस, यहाँ पर की प्रोवाइड करना है, की, और उस की का जो वैल्यू होगा इस इंस्टेंस वेरिएबल से मैप कर देगा, राइट? सो आई विल गो टू हियर एंड की, आई विल पिक अप दिस की एंड आई विल पुट इट हियर, राइट? डॉलर करली ब्रैकेट ओपन, यहाँ की देना है आपको. फिर इसी तरह से एक की उठाना है आपको और यहाँ दे देना है, राइट? एंड नाउ व्हाट विल हैपन, इस की का जो वैल्यू है वो इस वेरिएबल से मैप हो जाएगा, इस की का वैल्यू इस वेरिएबल से मैप हो जाएगा, राइट? नाउ आई एम गोइंग टू declare a public, I am going to create a public method, public void. यहाँ भी दे देते हैं read props, चलेगा? read props, right? And here just I am going to print both the properties, right? पहला property क्या है, channel name है, channel name print कर देते हैं. And दूसरा property क्या है, वो भी print कर देते हैं. If we are able to read these two property, that means हम लोग इस property file से प्रॉपर्टी को रीड कर पा रहे हैं, राइट? सो आई गिव टू गो टू द माय अगेन दिस मेन क्लास, और यहाँ पर कुछ सेपरेटर दे देते हैं ताकि पता चलेगा कि इसके बाद जो भी डेटा है वो सेकेंड और जो है उससे हम रीड कर रहे हैं. नाउ आई विल से ऑलरेडी एप्लीकेशन कॉन्टेस्ट का इंस्टेंस है, सो आई विल डू गेट बिन माई कॉन्फिग टू राइट डॉट क्लास, राइट? तो इस तरह से मुझे माई कॉन्फिग टू का इंस्टेंस दे देगा, राइट? एंड माई कॉन्फिग टू आई एम गोइंग टू कॉल रीड प्रॉप्स, राइट? रीड प्रॉप्स, राइट? नाउ लेट्स सी वेदर आई एम एबल टू रीड डेटा और नॉट दिस टाइम. कूल, सो हियर आल्सो आई एम एबल टू रीड द डेटा, राइट? सो गाइज वी हैव सीन टू अप्रोचेज, नॉट द वन अप्रोच बट टू अप्रोचेज. फिर से मैं रीट्रेट करता हूँ वट एवर आई हैव डन. सो यू कैन क्रिएट प्रॉपर्टीज फाइल एज मच एज यू वॉन्ट, ठीक है ना? और मोर देन वन प्रॉपर्टीज फाइल इसलिए करते हैं कि यू वॉन्ट सम काइंड ऑफ सेग्रीगेशन, राइट? सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉपर्टी यू कैन पुट ओवर हियर एंड सेकेंड सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉपर्टी यू कैन पुट ओवर हियर. अब इन सब को रीड करने के लिए पहला अप्रोच है, राइट? कि एक क्लास क्रिएट करना, क्लास को आपको एनोटेट करना है एट कॉन्फिग्रेशन से, राइट? एंड यू हैव टू यूज एट प्रॉपर्टी सोर्सेस. यदि एक से
ज़्यादा प्रॉपर्टी फाइल से रीड करना है। यदि एक ही से करना है तो ऐड प्रॉपर्टी सोर्स विल वर्क राइट। उसके बाद इन्वायरमेंट को ऑटो वायर करना है, इन्वायरमेंट से आप रीड कर सकते हैं, की पास करना है, क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यू आपको मिल जाएगा यहाँ। दैट्स द फर्स्ट अप्रोच। सेकेंड अप्रोच क्या करना है कि अगेन एक क्लास क्रिएट करना है, ऐड कॉन्फिगरेशन से एनोटेट करना है, ऐड प्रॉपर्टी सोर्स या ऐड प्रॉपर्टी सोर्सेस आपको यूज करना है, जहाँ आपको जो भी प्रॉपर्टीज फाइल से रीड करना है उसको उसका नाम देना है। और यहाँ पर मेनली है कि ऐट वैल्यू एनोटेशन का हम यूज कर रहे हैं राइट। और ऐट वैल्यू में यहाँ कर्ली ब्रैकेट में डॉलर के बाद आपको की का नाम देना है। तो इस इंस्टेंस वेरिएबल से इस की का जो भी वैल्यू होगा प्रॉपर्टी फाइल में, चूंकि प्रॉपर्टी फाइल आप मेंशन कर रहे हो कि दैट प्रॉपर्टीज फाइल इज अवेलेबल इन माई क्लास पाथ, तो उससे उठाएगा और यहाँ मैप कर देगा राइट, दोनों को मैप कर देगा सिमिलर। जस्ट आई एम प्रिंटिंग ओवर हियर राइट। सो गाइज, आई होप कि जो भी हमने इस वीडियो में बताया है यू अंडरस्टूड व्हाट्स द सिग्निफिकेंस ऑफ ऐड प्रॉपर्टी सोर्स और ऐड प्रॉपर्टी सोर्सेस। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं अगली वीडियो में।